Radha Bharasalam. I welcome all the beautiful people here and of course the media for the grand launch of the song of our own film, that is Vodka Diaries. So, aghaz karte hain, Shri Ganesh karte hain, hamare trailer se. Let's have a look at the trailer. I hope everyone enjoyed it. Yes, much more. Me too, I enjoyed it. So, let's have another look at the song which is already launched, that is Be Parwa by the band Parwaz. Sakhire piyan se jumenam, sakhire piyan ko jumena dekho to kaise kaato andheri ratiyan. के जन में उनकी ही रोशनी हो, कहीं से ला दो मुझे वो अखियां. सखी रे पिया से. डायरेक्टर ऑफ द फिल्म मिस्टर कौशल श्रीवास्तव. की जो फिल्म थी पांच, अगर वो रिलीज हुई होती तो केके का करियर और केके की जो परफॉर्मेंस की बात वो कुछ और होती. वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड अनुराग की पहली फिल्म थी और मुझे लगता है मेरा उसमें म्यूज़िक भी बहुत अलग था. और केके का मैं काम देखते हूँ, आई थिंक केके इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव इन आवर कंट्री राइट नाउ. और उसको कभी उतना प्रोजेक्ट करने के लिए रोल्स कम मिले हैं. तो वोडका डायरीज में उसने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम आई हैव सीन अ वेरी वेरी ऑर्गेनिक एंड ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस. सर आपने देखा होगा सर ट्रेलर के बारे में. मैंने फिल्म देखी है, मैं फिल्म देख के बोल रहा हूँ. फिल्म के बारे में कुछ बताएंगे? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी है और डायरेक्टर ने 20 दिन के अंदर वो फिल्म बनाई है, विच इज़ ग्रेट कमांडेबल जॉब. इतनी इस लेवल की फिल्म 20 दिन में अचीव करना और बड़ा डेविड फ्लिंच टाइप का स्क्रीन प्ले है. मलहोलैंड ड्राइव मुझे याद आई तो बहुत बहुत खूबसूरत. मर्डर किसने किया? मर्डर किसने किया बताइए ना. तो वो फिर यार फिर कौन ऐसे कैसे बता दूं. ने जो कुछ बोला उससे मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था. उसके बाद बोल पाना थोड़ा मुश्किल था. लेकिन हम लोग एक दूसरे को तब से जानते हैं, जब से मैंने हमने पांच की थी और इट्स बीन अ लॉन्ग एसोसिएशन. सो आई जस्ट फेल्ट अ बिट ओवरवेल्ड विद व्हाट ही सेड एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड हम्बल विद व्हाट ही सेड. मैं इसका मेल आपने अपने तैयार किया है जो कई बार आपने मतलब सुनाया है. देखो जब उस्ताद राशिद खान का गाना चल रहा हो ना, हम तो आसपास भी नहीं भटक सकते भाई साहब. ही इज लाइक द लेजेंड. बट संदेश ने जो इसमें स्वरबद्ध किया है और जिस तरह से लयबद्ध किया है, हैट्स ऑफ. इट्स नॉट एन ईजी सॉन्ग टू कंपोज एंड बहुत ही सोलफुल तरीके से उसने कंपोज किया. और रेखा जी और राशिद खान साहब ने इतना बढ़िया तरीके से मतलब उसको रेंडर किया है ना कि आप सुनते जाओ. ये एक्चुअली अकेले सुनने वाला गाना है. इट्स नॉट लाइक समूह गान. It's like a song which you can just put onto your phone and keep listening to it. I'm in love with the song, Sakhire. Sir, movie का promotion काफी एक चालू हुआ है, जिसका जैसे एक ही बचा हुआ है. हाँ, बहुत हो गया ना. जब फिल्म आप अच्छा बनाते हो तो promotion में उतना खर्च करने की ज़रूरत नहीं है. जब आप गंदी फिल्म बनाते हो तो आपको बहुत सारा खर्च करना पड़ता है promotion पे ना. तो अब बहुत पहले से बोलना पड़ता है कि हम आ रहे हैं. हाँ जी. तो इसलिए वी आर क्वाइट वेरी मच इन टाइम. वी बिगैन प्रमोशंस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर विद आवर न्यू ईयर विशेस. सो 19-20 दिन. लास्ट क्वेश्चन. खूबसूरत बात ये कि कुशल ने अलग से कुछ नहीं लिखवाया. जो मेरी अपनी किताब है आमीन, उसका उसके जो अशार हैं, उसके जो शेर हैं, उन्हीं को उन्होंने कुशल ने स्क्रिप्ट में ढाला. तो ये जो गजल है, ये जो गीत है, ये इसका भी कुछ हिस्सा स्क्रिप्ट का पार्ट था. बाद में फिर ये ख्याल आया कि जो चीज़ स्क्रिप्ट है या जो पोएम स्क्रिप्ट में है, क्यों ना उसको सॉन्ग में तब्दील किया जाए. तो संदेश शांडिल्य जी ने इसका बहुत खूबसूरत इसका कंपोजिशन किया और रेखा जी ने, रेखा भारद्वाज जी ने और
उस्ताद राशिद खान साहब ने, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि दो बड़ी आवाजें, दो महान आवाजें एक गीत गा रही हैं और बहुत खूबसूरत ये गीत बना है, आप लोगों ने अभी सुना। तो इस तरह का एक थॉट प्रोसेस था, वो गीत अब फिल्म की सोल है, आत्मा है उसकी।